हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। इस टॉपिक के पहले बच्चे लोगों को इतनी जानकारी हो जाती है कि किसी क्वांटिटी को जब मेजर कर रहे होंगे तो उसका एब्सोल्यूट कितना एरर आने वाला है, या उस क्वांटिटी के अंदर रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कितना आने वाला है, और साथ ही साथ बच्चे लोगों को परसेंटेज एरर की भी नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में से पढ़ा हुआ है। क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन का? ज़रा सोचो एक बार कि फिजिक्स में कई सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मिलाकर अपन किसी एक फॉर्मूले तक पहुँचते हैं। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये एरर इन सम कहलाएगा। दिमाग में रखना है कि कोई क्वांटिटी जेड होगी जो इस तरह से पढ़ाई जाएगी, ए प्लस बी। डिफरेंस बोला है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है जेड इक्वल्स टू ए माइनस बी, है ना। हम आगे डिस्कशन करेंगे इनके डेरिवेशन वगैरह। अभी समझ के देखो कि सम में कैसा एरर आएगा। ए प्लस बी लिखा है सीधा। मल्टीप्लाई की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए इंटू बी। एरर इन डिवीजन में ऐसा कुछ मिलेगा हमें, जेड इक्वल्स टू ए ओवर बी। एक्सपोनेंट के फॉर्मूलेस वैसे ही होंगे जैसे हम लोग कई बार मैथमेटिक्स या फिजिक्स में फॉर्मूलेस देखते हैं जिसमें पावर्स में लगा होता है। यहाँ एक रेड में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, मतलब ये फर्दर क्लासिफिकेशन है कि इन दोनों टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो एब्सोल्यूट एरर्स में आंसर करूंगा, और इन तीनों टॉपिक के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, रिलेटिव एरर की। और जहाँ जहाँ परसेंटेज मांगेगा वहाँ तो अपन चेंजेस कर ही लेते हैं। अभी बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है एब्सोल्यूट एरर का और रिलेटिव एरर का। फिर बच्चों, इन सारी क्वांटिटीज़ के हिसाब से हमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके डेरिवेशंस भी आते हैं, और कॉम्बिनेशन में घबराना या कोई गलती करने वाली बात ही नहीं होती है। इन तीनों को अगर अलग से पढ़ा हुआ है हमने, एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, परसेंटेज क्या है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है जब एरर इन सम पढ़ाया जाएगा आपको तो कोई एक क्वांटिटी होगी अल्टीमेट जो फाइनल अपन को आंसर चाहिए, या कह सकते हो डिराइव क्वांटिटीज़ है। यहाँ पर ये दो लोगों से मिलकर बन रही होगी और इनका जो प्रिंसिपल होगा वो सम में जा रहा होगा। सिमिलरली इसमें नेगेटिव लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाली बात होगी, डिवीजन है और एक्सपोनेंट है। तो आओ देखते हैं अपन एरर इन सम किस तरह काम करता है, ठीक है। चलो बच्चों, एरर इन सम को पढ़ते हैं। ये मान लो कि जेड दिया होगा अपन को कोई क्वांटिटी जिसको अपन को पढ़ना है, और वो डिपेंड कर रहा होगा ए और बी पे, और ये प्लस का सिंबल है। जेड ए पर भी डिपेंड कर रहा है और बी पर भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लोग सीरीज का रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो क्या कह सकते हैं कि सर ये तो होता है आर वन प्लस आर टू, क्लास टेंथ की बात है, दो रेजिस्टेंस इस तरह से लगे होते हैं, तो अपन इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जब फिजिकली इसको लैब वगैरह में मेजर करने जाओगे ना बच्चों, तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मेजर होगा या थोड़ा कम वैल्यू मेजर होगा, और यहीं से हमारे पास टॉपिक आता है मेजरमेंट, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है एरर्स। लेट से कोई क्वांटिटी एक्स से उसको आप मेजर करने जा रहे हो तो हमेशा एक्स डैश मिलेगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू आनी नहीं है कभी भी अपने को। ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। आप ज़्यादा भी मेजर कर सकते हो और कम भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो इस चीज़ को अपन लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये होती है बच्चों एक्चुअल वैल्यू, जिसको बुक्स वगैरह में ट्रू वैल्यू भी लिखा होता है, और ये होता है सीधा सीधा चेंज, ठीक है, जो आगे चल के अपना एरर बनता है, ठीक है। अब मैं जेड मेजर करूंगा तो उसके पहले मुझे ए और बी का मेजरमेंट चाहिए होगा। ए करोगे मेजरमेंट तो ए डैश मिलेगा, और बी करोगे तो बी डैश मिलेगा। इन दोनों की वजह से जेड भी आपको सही नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा जेड डैश। इसलिए इसको अपन लोग कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए अपने हिसाब से ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए, और यहाँ पर होना चाहिए बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी, और ये हो जाएगा z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ z। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं बोलूं कंपेयर कर लो तो z तो इन दोनों को ले जाएगा, ठीक है। हमारे पास मिल रहा है प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ b, ठीक है। अब अपन से बोला जाएगा पेपर वगैरह में या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर का क्या मतलब होता है, तो अपन बोलेंगे जितना पॉसिबिलिटी बन सकती है इस टॉपिक के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर वो अपन बताएंगे। बस अपन को ये नेगेटिव के साइंस यहाँ रिमूव करने होते हैं, तो आंसर मिल रहा है अपन को डेल्टा ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ ए प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ बी। अगर थ्योरी पूछी जाएगी तो क्या लिखोगे आप लोग बच्चों, सम हो रहा है यहाँ पे और डेल्टा के टर्म्स है,
मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसको एब्सोल्यूट एरर्स के टर्म में बताया जाता है, तो यहां मैंने लिख दिया इसको एब्सोल्यूट एरर, और इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज सिंपली द स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ठीक है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, अब अगर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे तो सीधा सीधा याद कर लो आप लोग, डेल्टा का जेड लिखना है और जो भी अलग अलग अपना आंसर आएगा उसको सीधा सीधा इंडिविजुअली एब्सोल्यूट बना करके सॉल्व कर देना और सीधा ऐड कर देना, अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर इन डिफरेंस। जैसे अपने पास कोई क्वांटिटी आ जाएगी जेड, इसको अपन को समझना होगा कि ए माइनस बी है यहाँ पे। अगर एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, या बोल सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। दोनों के दोनों क्या है बच्चों, फाइनल एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करोगे तो थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, या मैं कहूँ हिंदी में तो गड़बड़ियाँ होती है। तो एक्स का डैश मिलेगा, वो हो जाएगा एक्चुअल प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स। इट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे इसके हिसाब से तो क्या मिल जाएगा, सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ से तो बच्चों ये हो जाएगा ए का डैश माइनस ऑफ बी का डैश, उसकी वजह से मिलने लग जाएगा जेड का डैश। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो ए का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा हमारे पास बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ बी, और यहाँ हो जाएगा उसी की वजह से जेड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड। ये ओपन कर दोगे तो क्या मिल रहा है, ए दिख रहा है यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस ऑफ बी, और ये इस पे लगेगा तो पलटा देगा इसको। ठीक है, माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल्टा बी, ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड। कंपेयर कर लो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से, तो जेड जो है वो इन दोनों को ले जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा आंसर, ये तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है जो एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, ऊपर निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, और ये इसके दो मतलब होते हैं, या तो ऊपर ऊपर का रीड कर लो या तो नीचे नीचे का रीड कर लो जब पूछा जाए। लेकिन पेपर में हमेशा हमसे बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल या पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस के साइन यहाँ से हटा देने होंगे, तो ये बिल्कुल प्रीवियस टॉपिक की तरह दिखने लग जाएगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको। डेल्टा ऑफ जेड बन जाएगा डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी। याद रखना अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस, या पहले पढ़ाया था मैंने सम, दोनों में यही इक्वेशन आने वाली है अपने को सामने, बिकॉज अपन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ पढ़ते हैं। तो ये याद रखते हैं कि हमेशा एब्सोल्यूट में आंसर लिखें पहली बात तो, और दूसरा इन लोगों का एल्जेब्रिकली सम कर दें। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, दिस विल बी द सिंपल डेरिवेशन एब्सोल्यूट एरर, एल्जेब्रिक सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ क्वांटिटीज। ठीक रहेगा यहां तक, इसको पूरी तरह नोट कर लेना है और ये पूरा का पूरा अपना सिंपल डेरिवेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना मल्टीप्लीकेशन में एरर्स को पढ़ना। वही अपने पास सिंपल पैटर्न हो जाएगा, जेड अज्यूम करना है फाइनल क्वांटिटी, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। एग्जाम्पल्स अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं इसके, सुना होगा आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम पढ़कर आते हैं। मैं टेंथ वाले फॉर्मूले सारे लिखूंगा अभी यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी, और अगर अपन को पढ़ना हो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम वगैरह वगैरह। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, तो अगर एक्सेलरेशन में दिक्कत होगी या मास में प्रॉब्लम होगी तो फोर्स में प्रॉब्लम तो आनी ही है। मेरे कहने का मतलब है मेजरमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो फोर्स में आपको नजर आएगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको यही आंसर लगाना है। अगर फ्लो चार्ट याद है आप लोगों को तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर अपने को रिलेटिव एरर के कंसेप्ट में मिलने वाला है, रिलेटिव एरर के फॉर्म में मिलने वाला है। जेड इक्वल्स टू ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, वही कंसेप्ट है अपना। अगर कोई क्वांटिटी एक्स होती है तो एक्स का डैश मिलता है, लैब में जाते हैं अगर अपन तो ये हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस ऑफ अ स्मॉल चेंज, राइट। इसी को अगर अपन आगे की बढ़ाकर पढ़ेंगे तो ए नहीं मिलेगा बच्चों, ए का डैश मिलेगा, और बी नहीं मिलेगा, बी का डैश रहेगा, उसकी वजह से मिलने लगेगा जेड का डैश। तो ये अपने को क्या दिख रहा है, इसका आंसर होना चाहिए ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए, मल्टीप्लाई लगाकर यहाँ हो जाएगा बी
प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी, और ये कितना लिखा अपना जेड, जेड को जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड। इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पे कहूँ आप लोगों को यहाँ से ए को बाहर निकाल लो और यहाँ से बी को बाहर निकाल लो, ठीक है, अगर यहाँ से ए बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस माइनस, राइट, ये हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइड बाय ए। सिमिलरली यहाँ से बी बाहर आ चुका अपने पास, तो यहाँ भी मिलने लगेगा वन प्लस माइनस, है ना, यहाँ बी निकालना अपन को, तो हो जाएगा बच्चों डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, और यहाँ है अपने पास z का एक टर्म, तो यहाँ से z को भी बाहर निकाल लो आप लोग, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करते ही इन दोनों को अलग कर सकते हो ना, और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ b डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए डिवाइड बाय ए, और जब ये इस पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का टर्म रहेगा, और ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ ए बाय ए इंटू डेल्टा ऑफ बी बाय बी, ठीक है। अब एलएचएस देखो, यहाँ पे वन लिखा हुआ और यहाँ पर ही वन है, तो मैं इनको अलग कर देता हूँ, और आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिल रहा है, प्लस माइनस का एक टर्म है, ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू, ये पूरा रीअरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा डेल्टा ऑफ ए डिवाइड बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी डिवाइड बाय बी, और ये टर्म अपन को एक एक्स्ट्रा में मिल रहा है डेल्टा ऑफ ए बाय ए इंटू डेल्टा ऑफ बी बाय बी। फिर आप लोगों को समझना है कि ये जो टर्म होगी दिस इज वेरी स्मॉल, इसके स्मॉल होने का रीजन है बच्चों, आप देखो कि यहाँ पे एक डेल्टा का टर्म है और नीचे इसका कंप्लीट क्वांटिटी है, इसका मीनिंग क्या है, ये तो चेंज होता है और ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ज़रा सोचो कि यहाँ पे फुल वैल्यू होगी, यहाँ उसका चेंज होगा, तो वैल्यू क्या होगी, ये वन से बहुत छोटी होगी ना, और एक डेसिमल वैल्यू का दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए अपन इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आंसर मिलने लग गया अपने को, प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए बाय ए प्लस माइनस बच्चों डेल्टा ऑफ बी बाय बी। फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर का क्या यहाँ पे रोल होता है। कुछ नहीं करना है, नेगेटिव के साइन यहाँ से हटा दो, क्योंकि अपन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एरर्स में अपना आंसर आए, तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ ए डिवाइड बाय ए प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ बी डिवाइड बाय बी। और इसको थ्योरी में अगर लिखना है आपको तो क्या दिख रहा है, ये टर्म जो होता है ना बच्चों, ये रिलेटिव का टर्म होता है, ठीक है, रिलेटिव एरर का टर्म, और पीछे प्लस लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इट शुड बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ, पहले वाले टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया था, एब्सोल्यूट, और यहां लिखना होगा अपन को इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, क्योंकि अपन को ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा, तो आगे से कभी इस तरह के फॉर्मूले मिले जहाँ मल्टीप्लाई पड़ा हो तो आपको ये नहीं करना है कि सर डेल्टा जेड आपने सिखा दिया अपन को, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ऑफ बी है, ये गलती हो कहलाएगी बच्चों इस टॉपिक में, है ना, ऐसा डिराइव करना है और इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि हमेशा अपन से मैक्सिमम पॉसिबल पूछा जाएगा, अगर मैक्सिमम वर्ड नहीं लिखा है देन यूज़ दिस लाइन, अदरवाइज आपको क्या करना है, नेगेटिव्स को अलग करके सीखना है और फिर हमारे आंसर्स मिलने लग जाएंगे, और ये तुम लोगों का रिलेटिव एरर है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे बता रहा है डिवीजन, है ना, ये अज्यूम करके चलो कि यहाँ फिर से z को पढ़ना होगा और ये हो जाएगा अपना a बाय b, a ओवर b। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे डेंसिटी पढ़ा होगा अपन लोगों ने, क्या होता है बच्चों m बाय v का टर्म होता है, अपने को कोई बोले वेलोसिटी कितना होगा तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, ऐसे दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं जहाँ डिवीजन लगता है। देखो ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, और मेजर करने जब बैठोगे इसको तो सही तो मिलना नहीं है, क्या मिलेगा, एक्स डैश मिलेगा आपको, हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। थ्योरेटिकली ये लैब वाली वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड ये एक्चुअल वैल्यू है, और ये उसका चेंज है। इस कंसेप्ट, इस मेजरमेंट की लाइन को यहाँ लगाओगे तो ये इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी बच्चों, z नहीं मिलेगा, z का डैश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है a डैश और यहाँ पे लिखा है b डैश।
इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा z की जगह हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b। ये क्लियर है बच्चों? इसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ से a को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ तो a है नहीं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पर बी का टर्म आने लगेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, और यहाँ से जेड बाहर निकालो तो मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड। फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे ना तो ए और बी यहाँ से इससे चले जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाना है अपन को अब। ठीक, तो ये मिल रहा है अपन को 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, और यहाँ पे टर्म ऊपर जा रही है तो ये टर्म मिलनी चाहिए अपन को 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी डिवाइड बाय बी, और यहाँ मैं एक माइनस वन लगाऊंगा। ठीक है, ये जो टर्म है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा छोटी एक टर्म होती है, वेरी वेरी स्मॉल। द रीजन बिहाइंड इट, आपको बाइनोमियल सिखाया जाएगा जब मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन की एक थ्योरम होती है जो कहती है 1 प्लस एक्स टू पार एन को अपन लोग सॉल्व करते वक्त सीधा सीधा लिख सकते हैं 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स, बस पार को अंदर भेज देना होता है। ये तब होता है जब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो, और यहाँ कोई बच्चा भी बता देगा कि सर ये तो एक्चुअल वैल्यू है और ये चेंज है तो ये टर्म तो छोटा होना ही है, इसको अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, ये हो रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a बाय a, ये हो जाएगा 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलटा देगा इसको बच्चों डेल्टा ऑफ b बाय b। ठीक है, यहां से अपन को प्रॉपरली सॉल्व कर देना है, ब्रैकेट्स वगैरह खोलोगे और सॉल्व करोगे तो मिलना क्या शुरू होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा आंसर, और इससे मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा डेल्टा b बाय b, ये जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ध्यान देना ये वैल्यूज पलट के आएंगी, और ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा बी बाय बी। इसको देखो क्या मिल रहा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, 1 से 1 अलग कर देते हैं अपन, और इस चीज को फिर से ध्यान से देखो जो अपन ने एक टॉपिक पहले सीखा है। ठीक है, ये अपने आप में छोटी वैल्यू है और ये और छोटी वैल्यू है, जरा देखो यहाँ पे, तो इन दोनों को अपन बोल सकते हैं निगलेक्ट ही कर दो इनको। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए अपना जो फाइनल आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस और प्लस डेल्टा ऑफ बी बाय बी। एग्जाम वगैरह में अपन को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है तो वो उम्मीद करता है कि बच्चे लोग इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स में ही आंसर करें, तब कुछ नहीं करना होता है बच्चों, नेगेटिव साइन यहाँ से हटा दो तो आंसर मिल रहा होगा अपने को डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ a बाय a प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ b डिवाइड बाय b। देखो सिंपल, ये एरर इन मल्टीप्लिकेशन टाइप का दिख रहा है, इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, एड हो रहा है बच्चों, तो सीधा मैं यहाँ लिखता हूँ एलजेब्रिक सम निकालना होगा। ठीक है, ये टर्म्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव एरर्स है, तो एलजेब्रिक सम ऑफ यहाँ लिखा जाएगा रिलेटिव और आगे आ गया एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर, जब कभी डिवीजन का टॉपिक आता है ऐसे कई फॉर्मूले मिलेंगे जिसे इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप, ये डेल्टा रो बाय रो है ना, इस पैटर्न में आएगा बच्चों, ये याद रखना है बस अपन को, और ये नहीं कर देना ऊपर कि डेल्टा एम बाय डेल्टा वी आ जाएगा, इस तरह लिख के देखो इसको, मास के लिए हो जाएगा डेल्टा एम बाय एम और वी के लिए हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी, ये इसका एक्सप्रेशन होगा एरर से रिलेटेड जब भी बात होगी किसी ऐसे फॉर्मूले की जिसमें डिवीजन लग रहा हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना एक्सपोनेंट में पढ़ना एरर्स को, कई फॉर्मूले देखते हैं अपन वॉल्यूम वगैरह के, एरिया वगैरह के, और बहुत सारे पढ़ोगे आप लोग 11th में आने के बाद, अभी टॉपिक्स में जब पार्ट्स में एक्सपोनेंट में मिल रहा होगा अपने को आंसर, तो अज्यूम पहले कर लेते हैं अपन, ये z लिखा होगा बच्चों a टू पार n लिखा होगा है ना, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम होता है किसी स्फीयर का 4 बाय 3 पाई आर क्यूब है ना,
4 बाय 3 और पाई को तो भी अलग कर दो, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनमें एरर तो आना नहीं है, ये बेसिक थ्योरी में मैं पहले ही बता चुका हूँ। बस वॉल्यूम किस पे रिलेट कर रहा होगा, रेडियस पे। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो वही पुरानी कहानी अपनी, एक्स मेजर करोगे क्या मिलेगा, एक्स डैश ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस ऑफ अ स्मॉल चेंज इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब सोचो इधर अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, सर ये हो जाएगा जेड डैश, ये हो जाएगा ए डैश और उसकी पावर होगी एन, इसका मतलब होता है z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z और इसका मीनिंग होता है a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a होल टू द पावर n। यहाँ से z बाहर निकालो तो मिल रहा है अपन को 1 प्लस माइनस डेल्टा z और यहाँ नीचे z आ जाएगा बच्चों। यहाँ से a बाहर निकाल लो तो a अगर बाहर निकालते हो तो देखो ब्रैकेट के बाहर n फंसा हुआ है तो a के सर पे भी n लगा हुआ आएगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए बाय ए टू द पार एन। ये क्लियर हुआ बच्चों, ए टू पार एन से इसको अलग कर दो, ठीक है। और इस टर्म को देखो, और 2 मिनट पहले मैंने पढ़ाया आप लोगों को बाइनोमियल, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ कि बच्चों लोगों का भी बहुत यूज तो नहीं होते हैं, मैथ्स में आपके आगे चल के पढ़ाया जाएगा और मैं आपका मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस लूंगा अभी। तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स टू पार एन होता है, इसको अंदर भेजना होता है अपन को, ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, है ना। इसका होता है एक्सप्रेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ लेकिन अपन को सॉल्व करते हुए इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है अपन को। तो एन को अंदर भेज दो बच्चों, तो क्या मिल रहा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड मिल रहा है अपन को 1, ये अंदर आ जाएगा चुपचाप, तो प्लस माइनस हो जाएगा एन टाइम्स डेल्टा ए बाय ए, ठीक है। 1 से 1 को अलग कर दो और यही आप लोगों का आंसर बन चुका है, प्लस माइनस डेल्टा z बाय z बराबर हो रहा है, वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस माइनस पलट के नहीं आएगा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ a बाय a। फिर से अपन पूछेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, ठीक है। तो वो जाएगा नेगेटिव हटा दो, तो लिखो इसको डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ a बाय a। ये भी बच्चों किस पैटर्न में आ रहा है, रिलेटिव पैटर्न में आ रहा है और n है तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो भी पावर होती है ना तो वो हो जाएगा n टाइम्स द रिलेटिव एरर। ये इसकी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है, n टाइम्स द रिलेटिव एरर, याद रहना चाहिए हमेशा, डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू n आ रहा है। इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं बच्चों, अगर v है और यहाँ पावर में है तो क्या लगना है टॉपिक, एरर इन एक्सपोनेंट लगना है। तो v दिखाई देगा आप लोगों को डेल्टा v बाय v के जैसा, इन लोगों को तो पढ़ना ही मत, पहले अलग कर देना, कॉन्स्टेंट से इनमें एरर नहीं आ सकता। अब देखो r की पावर 3 लिखा है और यहाँ वैसे मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को ए टू पार एन लिखा है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, एन को सामने रख देना अपन को, तो जो भी वैल्यू यहाँ दी हो ना उसको सामने बुला लिया अपन ने और इसको लिख लिया अपन ने डेल्टा ऑफ आर डिवाइड बाय आर। अब आगे चल के इसने परसेंटेज में बोला हो या किसी और वैल्यू में बोला हो तो अपन को बाद में सॉल्व करना है, अभी के लिए इसको इस पैटर्न पे लिखना है, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।